भाजुमा अमरद्रा मंडल अध्यक्ष पुष्पेंद्र चतुर्वेदी और अपने 500 समर्थकों के साथ सतना रवाना। प्रदेश की कमलनाथ सरकार अपने वादों से मुकर चुकी है। सरकार के खिलाफ भाजपा जिला अध्यक्ष ऋषभ सिंह के नेतृत्व में सतना जिले के समस्त मंडलों के लगभग 10,000 युवाओं के साथ महाआक्रोश रैली कर कलेक्ट्रेट का घेराव होना है। आज इस रैली का मुख्य उद्देश्य क्या है? जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, कमलनाथ जब चुनाव लड़ रहे थे, कांग्रेस सरकार जब मध्य प्रदेश का चुनाव लड़ रही थी, अपने घोषणा पत्र में, अपने वचन पत्र में उन्होंने लिखा था, सबसे पहले लिखा था कि हम किसानों का ऋण माफ करेंगे, दूसरा बेरोजगार युवाओं को 4,000 रुपए प्रति माह बेरोजगार भत्ता देंगे, हर ग्राम पंचायत स्तर में जो आवारा पशु है, आप यहाँ से कटनी तक जाइए मैयर से, पूरे अमदराज क्षेत्र में जो नेशनल हाईवे 7 बना है, 10 से 12 गाय मरी हुई मिलेंगी आपको, और पूरी फसल खराब हो रही है। हर ग्राम पंचायत में गौशाला बनाने की बात की गई थी। अंत्येष्टि योजना के तहत शिवराज सिंह चौहान जी 5,000 रुपये अग्नि संस्कार के लिए देते थे, वो बंद करवा दिया गया। छात्राओं को मेधावी छात्र योजना के तहत 25,000 का चेक मिलता था, लैपटॉप मिलता था, और छात्रवृत्ति में सब बंद करवा दिया गया है। इसी सब विरोध में कि आप जो वादा किए थे, वादा खिलाफी के विरोध में आज कलेक्ट्रेट का घेराव करके राज्यपाल के नाम में कमलनाथ के कानों तक यह बात पहुँचाई जाएगी, अगर आप अपने वादों को पूरा नहीं करते हो तो आपकी सरकार नहीं चलाने दिया जाएगा। युवा दृढ़ संकल्प कर लिया है, युवा का उल्टा होता है वायु, और वायु को कोई रोक नहीं सकता है, ये हमारा संकल्प है। और आज कलेक्ट्रेट का घेराव करने जा रहे हैं, अमदरा मंडल की तरफ से 500 की संख्या में युवा वर्ग इकट्ठा हुआ है, जैसे कि आप सब देख रहे हैं। युवा मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जैसा कि अगर मान लीजिए आपकी मांग नहीं पूरी की जाती तो क्या करेंगे, अगली कार्रवाई क्या रहेगी आपकी? कलेक्ट्रेट का घेराव करने के बाद अनिश्चितकालीन कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन किया जाएगा, भूख हड़ताल की जाएगी, जैसे कि आप सब देख रहे हैं, इसमें वरिष्ठ लोग सहयोग कर रहे हैं। कार्यक्रम रहेंगे, आयोजक नहीं है, मैं नहीं हूँ आयोजक, पूर्ति भारतीय जनता पार्टी का युवा मंडल है जो प्रदेश में विकास पांडे जी के नेतृत्व में हो रहा है, और युवा पूरी तरह से आक्रोशित है, युवा के साथ साथ पूरी तरह से प्रदेश की नीतियों के कारण किसान पूरी तरह से परेशान हो गया है, ना उसे बोनस मिल पा रहा है, ना फसल का सही दाम मिल पा रहा है, इस तरह से कांग्रेस की नीतियां हैं। आज युवाओं में जो मतलब वो देखा जा रहा है, आक्रोश देखा जा रहा है, वो आपके सामने है। आज युवाओं को इन्होंने 4,000 रुपया बोनस देने के लिए बोला था, और आज भी 1 रुपये भी नहीं दिया जा रहा युवाओं को। अंत्येष्टि में आपके सामने बात मालूम है आपको कि 4,000 अंत्येष्टि का 5,000 रुपया जो मिलता था वो भी इस सरकार ने बंद कर दिया है। अगर आप देखें किसी भी तरह से ये विफल सरकार, ऐसी सरकार जो है 15 साल में अभी सुराज जी के नेतृत्व में जो सरकार चली, आज आप देखिए 11 महीने में फेल सरकार हो गई। आप जहाँ जहाँ देखिए ये इन्होंने सिर्फ एक उद्योग चला के, ऐसे ट्रांसपोर्ट उद्योग चला करके अपनी सरकार चला रहे हैं। किसी का ट्रांसफर कराना हो तो इनसे अच्छा कोई नहीं जानता, किसी का ट्रांसफर कैंसिल कराना हो तो इससे अच्छा कोई नहीं जानता। ये आपके तरह हर तरह से देखा जा रहा है कि अमदरा मंडल के हमारे पुष्पेंद्र चतुर्वेदी जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, यह एक काबिले तारीफ है। और इस तरह से ऐसे युवाओं को आगे आना, मतलब जिस तरह से आगे आना चाहिए, और उस तरह से पुष्पेंद्र जी यहाँ पर रैली लेकर के जा रहे हैं, इनकी मांगों को और कलेक्टर महोदय यह कि आगे नहीं सुना जाएगा तो निश्चय ही ये आंदोलन अमरण आंदोलन के रूप में भी ले सकता है। जनता युवा मोर्चे की युवा आक्रोश रैली सतना के अंदर आयोजित की जा रही है। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरह की दुरावस्था कांग्रेस के शासन पर फैली है, कांग्रेस ने ये बात कही थी अपने वचन पत्र पे, और इनके वचन पत्र में साफ लिखा हुआ था कि बेरोजगार युवाओं को 4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे, युवाओं को रोजगार, नए नए ऐसे संसाधन उपलब्ध कराने की बात कही थी, लेकिन हर तरह से कांग्रेस उस बात से विफल रही है और मुकर गई है। और यहाँ तक इनके मुख्यमंत्री जी ने सदन के अंदर सीधा इस बात से इनकार किया है कि हमने ऐसी कोई बात नहीं कही थी, जबकि वचन पत्र के 7वें पॉइंट पर सीधा लिखा हुआ है कि 4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। कांग्रेस हर मोर्चे पर विफल रही है। इस प्रदेश के युवाओं को सिर्फ वोट बैंक समझने का काम यदि कांग्रेस कर रही है, मुख्यमंत्री कर रहे हैं, तो ये वो गलत फहमी पर है। मध्य प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चा ईंट से ईंट बजा देगा, लेकिन युवाओं के अधिकार और हितों को लेकर अभिलाष भैया जिंदाबाद।